आज हम बनाने जा रहे हैं दही वाली कढ़ी बिना बेसन के। उसके लिए लिया है हमने आधा किलो दही, 3 टेबलस्पून आटा और 1 कप पानी। अब हम पहले दही को फेंट लेते हैं। दही हमने फेंट लिया है, अब इसमें पानी ऐड करते हैं। अब दही को फिर फेंट लें। अब हमने फेंट लिया है दही अच्छे से। ये कढ़ी की कंसिस्टेंसी की जितना हमें इसमें पानी डालना है। अब हम इसमें आटा डालेंगे। हमें इसमें 2 टेबलस्पून आटा ही ज़रूरत पड़ी है डालने की। अब इसको फिर फेंट लें। देखिए कि कोई लम्स नहीं इसमें फॉर्म हुआ। हमने दही अच्छे से फेंट लिया है, अब आटे के कोई भी इसमें लम्स नहीं है, इसलिए इसको अच्छे से फेंटें। अब हम कढ़ी बनाना शुरू करते हैं। गैस ऑन करते हैं और इसमें अराउंड 2 टेबलस्पून ऑयल डालें। तेल को गर्म होने दें। तेल गरम हो चुका है, अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले हम 1/4 टीस्पून मेथी दाना लेंगे, 1/2 टीस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून राई। इन सबको अच्छे से स्प्लटर होने दें। जैसे ये स्प्लटर होने शुरू हो जाए तो गैस मीडियम पे कर दीजिए। अब कड़ी पत्ता ऐड कीजिए। और 2 ग्रीन चिली। अब हम इसमें दही का मिक्सचर ऐड करेंगे। गैस को बिल्कुल स्लो पे रखेंगे, नहीं तो हमारा दही कड़ल हो जाएगा। कढ़ी हमारी थोड़ी थिक है, इसलिए हम इसमें थोड़ा और पानी ऐड करेंगे। हम इसमें 1/2 कप पानी और ऐड करेंगे। अब इसमें बाकी के मसाले ऐड करते हैं। नमक लेंगे 1 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून और रेड चिली पाउडर 1/2 टीस्पून। अब इसको अच्छे से बॉईल होने दें। गैस को मीडियम हाई पे कर दें। कढ़ी बॉईल होना स्टार्ट हो गई है, अब हम फ्लेम को लो कर देंगे और इसको 5-7 मिनट तक पकने देंगे। हम कढ़ी को थोड़ी थोड़ी देर में स्टर करते रहेंगे ताकि ये कड़ल नहीं हो। हमारी कढ़ी ऑलमोस्ट तैयार है, 5 मिनट हो गए हैं बॉईल होते हुए। अब हम इसमें 1/2 कप बूंदी डालेंगे और 2 मिनट तक इसको और पका लेंगे। बूंदी ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। कढ़ी हमारी रेडी है, अब हम गैस करते हैं ऑफ। ये हमने 7 to 8 मिनट्स तक इसको पकाया है। अब हम इसको सर्विंग बोल में डालते हैं। तो ये रही हमारी आज की डिश दही कढ़ी। ये बनाने में बहुत ही आसान है, इसे आप इवन राइस के साथ भी खा सकते हैं और चाहिए तो चपाती और सब्जी के साथ भी खा सकते हैं। आप हमारी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक दें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।